आपका आखिरी पॉइंट था इरफान, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लेफ्ट राइट बहुत सारे लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं, एंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिनको माइक्रो ब्लॉगिंग में कवर किया जा रहा है, बट देन अब सोशल इश्यूज़ पे भी हैं. हम हेल्थ ब्लॉगर्स देखते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट्स को देखते हैं एज इन्फ्लुएंसर्स, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल इशू लाइक एजुकेशन तो कोई हमें कोई बहुत ख़ास खातिरख्वाह किस्म की आवाज़ें जो हैं साइबर स्पेस में नहीं सुनाई देती हैं. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज़ अ वंडरफुल वे टू डू एक्टिविज्म कि जो मेरे इश्यूज़ हैं एज अ स्टूडेंट, हम उनको टेबल पर लेकर आएँ, एक ऑडियंस क्रिएट करें और उस ऑडियंस के साथ, जिसको कहते हैं ना कि हरकत में बरकत होती है, तो फिर एक के साथ दूसरी और दूसरी के साथ तीसरी आवाज़, एक स्नोबॉल इफेक्ट हो. सो वंडरफुल आइडिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, थैंक यू फॉर पुटिंग दैट आउट. ये तो वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं. इरफान, ये बताइए कि आपके मुशाहदे में भी और जनरली भी, आपके ख्याल से पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट्स, हाई लेवल स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो किस तरह से स्टूडेंट्स को बेहतर इंगेज कर सकते हैं, वो जो गैप कहाँ है और वो गैप फिल कैसे हो सकता है? So I guess it's absolutely wonderful question कि हम किस तरह से ये गैप जो हमारा यूथ का और पॉलिसी मेकर्स का, इसको किस तरह से फिल कर सकते हैं, एक ब्रिज बना सकते हैं कि they must have access to students के वो उनको सुन सकें. तो आई गेस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर हम लाइक सीनियर ऑफिशियल्स की बात करें तो मोस्टली दे आर लाइक सिविल सर्विसेज से आते हैं लोग, कुछ बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं, दे डोंट हैव एन आइडिया कि पब्लिक स्कूल, जो लो इनकम पब्लिक स्कूल है, उसके क्या मसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक पिक्चर देखी होती है उसमें उनके पास सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखी होती हैं. दे माइट हैव नो आइडिया अबाउट रूट लेवल के वहाँ पे ऑन ग्राउंड या ऑन फील्ड क्या रियलिटीज हैं. सो इसमें इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो विजिट किया करें फ्रीक्वेंट बेसिस पे, लाइक ये नहीं हो कि कभी कभी हो, विजिट करें स्कूल्स को, कॉलेज को, या फिर व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी आए बैठें बच्चों के साथ, कोई डिबेट्स हों, डायलॉग्स हों, डिस्कशंस हों, उनमें बैठें, उनको सुने, उनको नोट डाउन करें कि क्या क्या मसाइल हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, और फिर उनके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज में उनको इनकॉर्पोरेट करें और अकॉर्डिंगली सारी जो भी उनकी डिसीजन मेकिंग है उसमें भी देखें. सो और अगेन इससे क्या होगा कि इससे जो पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस बन रही होंगी उसमें वो चीज़ें आ रही होंगी जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, जो करंट नीड्स हैं उनकी, वो उनके अकॉर्डिंगली, और वो जाहिर बात है डिस्कशन से ही आपको बताएंगे, आप उनके साथ आप उनको बिठाएंगे और आप एक्सेप्ट करेंगे एज अ स्टेक होल्डर. अगेन उसी साइड पे आती है बात जो हमने स्टार्ट में की है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम उनको एज अ स्टेक होल्डर साथ बिठाएंगे, चाहे किसी डिस्कशन में हो, डायलॉग में हो. मैं अक्सर देखता हूँ कि लाइक टॉपिक यूथ का होता है, बट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो किसी भी आप ट्रेनिंग की बात करें या बाकी चीज़ों की, लाइक जब यूथ की एजुकेशन पे बात हो रही हो, तो जो स्पीकर होते हैं देयर मोस्टली लाइक 40 या 50 प्लस ना, वो यूथ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और यूथ सामने बैठ के सुन रही होती है कि हमारी बात हो रही है. सो आई गेस इसमें ये जरूरी है कि जब यूथ पे बात हो तो यूथ को ही आप एज अ पैनलिस्ट लें, आप एज अ स्पीकर लें, उनसे सुने कि क्या मसले मसाइल हैं. 50 साल का बंदा कैन नॉट टॉक अबाउट करंट नीड्स ऑफ द यूथ. तो आई गेस इन सारी चीजों को हमें देखना होगा, फिर अगेन वो ये सारी तभी पॉसिबल है कि हम उनको इन्वॉल्व करेंगे एज अ स्टेक होल्डर, एक्सेप्ट करेंगे स्कूल्स का, फ्रीक्वेंट बेसिस पे विजिट करेंगे और अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी लर्न करें एज अ पॉलिसी मेकर. अगर एक ही एरिया में दो स्कूल्स हैं, एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा प्राइवेट स्कूल है, या फिर एक बहुत ही एक पब्लिक स्कूल है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करा, सो आप उनके दरमियान भी कुछ ऐसा ब्रिज गैप उनके गैप के दरमियान भी एक ऐसा ब्रिज बनाएं कि वो उनसे सीखें, उनको आपस में कनेक्ट करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखें. सो एज अ पॉलिसी मेकर आई गेस ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं. अगर हम एज अ एजुकेटर देखें, एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, टीचर्स को चाहिए कि वो खुद को अप टू डेट रखें अकॉर्डिंग टू लाइक करंट क्या नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हुए. फिर जो उनकी टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें टू वे डिस्कशंस टाइप हो, ऐसा ना हो कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल है जिसमें टीचर सिर्फ बोल रहा है, स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं एंड दिस लेक्चर एंड्स और बस खत्म हो गई बात. एक टू वे प्रोसेस हो टीचिंग का, गेस्ट स्पीकर्स को भी इन्वाइट करें जो डिफरेंट फील्ड्स के हैं, ताकि स्टूडेंट्स मस्ट गेट अ चांस टू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ
थिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के, उनके जो हीरोज हैं या फिर कोई भी सीनियर्स हैं जो उनके लाइक आइडियल्स हो सकते हैं, उनको बुलाएं, उनसे सुने. और अडाप्टिव जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज आजकल हम बात करते हैं बीइंग अडाप्टिव ना, और वो सब चीजें तभी पॉसिबल है कि हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट खुद को, और अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द चेंज जो अभी आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको उसके साथ अडाप्टिव हो. हम अक्सर देखते हैं कि टीचर्स रेजिस्ट करते हैं उनको ट्रेनिंग्स के लिए भेजा जा रहा हो या बाकी सारी चीजों को. दे आर राइट के लाइक उन्हें बहुत इनिशियली ये चीजें कर देनी चाहिए थी, बट अचानक से वो सारी चीजों में चेंज लाना मुश्किल भी नहीं है. ये एक प्रोसेस है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. आप एक ही बार ट्रेनिंग देके उन्हें छोड़ देंगे तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज नहीं है इसके. तो बींग एजुकेटर हमें इन सारी चीजों को देखना चाहिए. करियर अवेयरनेस दे, अगेन वो 21st सेंचुरी वाली स्किल्स हैं. क्लास में आप इंश्योर करें इक्विटी, के हर बच्चा इक्वल है, हर बच्चा सेम माइंड रखता है, हर बच्चे, और ये भी समझेगा बच्चे की नीड्स भी डिफरेंट हैं, कोई किसी तरह से समझ रहा होगा, किसी को लेट समझ आ रही होगी. सो बीइंग एजुकेटर लाइक, और ये सब चीजें हमें आ, 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 देखनी चाहिए. और थोड़ा ग्रेड ओरिएंटेड हम ना रहे कि एक बच्चे का एक ग्रेड आ रहा है, एक का A+ आ रहा है, तो बाकी जो सी या बी वाला है इज नॉट गुड, ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट. वी हैव सीन के बहुत सारे ऐसे जो लाइक ड्रॉप आउट्स हैं इवन, और बाकी आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ड्रॉप आउट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कूल्स. तो वो भी कामयाब है अपनी लाइफ, उनको भी पुश करें. ऐसा ना हो कि लाइक आप उनको डीमोटिवेट करें और वो वहीं पे स्टॉप कर जाएं, या फिर कोई ऐसा फैसला ले लें जो आपके लिए भी और उनके लिए भी आगे जिंदगी में जाकर रिग्रेट करें. थैंक यू इरफान. एंड इरफान, आपने जो अभी कुछ बातें की हैं बहुत अहम थी, कि अगर पॉलिसी लेवल पे वो जो गल्फ हमें दिखाई देता है कि स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली उनके बारे में बात हो रही होती है, यंग लोगों के बारे में बात हो रही होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि वो ऑडियंस में तालियां बजाने के लिए होते हैं, बट एक्चुअली देर नेवर ऑफर्ड अ सीट ऑन द टेबल, राइट? देर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स to speak about their own issues and raise their own concerns, right? But एक in fact suggestion मैं अक्सर देती हूँ, और आपकी बात से मुझे दोबारा याद आया तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे उसको reiterate करना चाहिए, which is के education department के level पे, higher education commission के level पे, federal ministry of education and professional training के level पे, जिस तरह के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स सेटअप होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में, तो हर सूबे में, हर ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन में और हर तालीमी सतह पर एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप होना चाहिए जो सिर्फ स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल हो. और जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि स्टूडेंट्स अगेन बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड्स से आ रहे हैं, हर एक को एक लाठी से नहीं हांका जा सकता, हर एक के एक जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं है, हर स्टूडेंट के पास एक जैसे वसाइल नहीं थे, तो फिर वो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स को भी उस डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो इलीट कैप्चर हम हर जगह देखते हैं वहाँ पे भी वही ना हुआ हो. अच्छा, हम डाइवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, मेरा इनफैक्ट जो आखिरी सवाल है वो उसी से जुड़ा हुआ है इरफान. कभी आपके मुशाहदे से, नज़र से गुजरा है कि इन टर्म्स ऑफ डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, वो जेंडर के एस्पेक्ट में हो सकती है, एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक्स, एनीथिंग, क्या डाइवर्सिटी हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ख़ासतौर पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बराबरी की सतह पे नज़र आती है, नहीं आती, तो कहाँ नहीं आती, और अगर नज़र आती है तो उसका भी प्लीज़ निशानदेही करिए कि कहाँ आती है, और किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ज़्यादा डाइवर्स बनाया जा सकता है, कि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, हर जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाले, हर एथनिसिटी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले हमें हमारे तालीमी इदारों में नज़र आएँ तालीम हासिल करते हुए. सो ग्रेट, लाइक आपने डाइवर्सिटी पे बात की, और आई गेस इसको हम इंक्लूसिविटी के साथ भी लिंक कर सकते बिल्कुल. हैं. सो आई हैव सीन इन माय क्लास, लाइक अगर हम देखें फॉर इंस्टेंस हम इस्लामाबाद की बात करें खाली, तो उसमें यूनिवर्सिटीज में आपको डाइवर्सिटी नजर आती है, आपको हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, आपको बलोच, पश्तून, जीबी से, कश्मीर के, और बाकी सब चीज, सब जो कम्युनिटीज हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हर यूनिवर्सिटी में नजर आती है. बट इफ यू टॉक अबाउट अदर स्कूल्स जो
पंजाब के किसी बहुत ही पीछे के जिला से या फिर सिंध के एटसेट्रा, वहाँ पे स्पेसिफिक कम्युनिटीज हैं, दे ऑल वुड बी फ्रॉम लाइक सिंध से हैं तो सिंधी होंगे, बट अगेन उस क्लास में भी गेनिंग डाइवर्सिटी होगी, वो ये वो सेक्टेरियन बेस्ड हो सकती है, वो अगर हम लाइक प्राइमरी तक बात करें तो जेंडर बेस्ड हो सकती है, या फिर यूनिवर्सिटी की बात करें उसमें भी जेंडर बेस्ड हो सकती है, और अगेन लाइक अगर हम ओवरऑल बात करें तो उसमें हम अक्सर ये देखते हैं कि व्हाट आई ऑब्जर्व के ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल्स अलग बनाए गए होते हैं और उनको उनके लिए टीचर्स और बाकी सारी चीजें भी लगे। आई 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 विश के कोई ऐसा सिस्टम हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक एक्सेप्टेंस सिखा सकें कि लाइक दे और दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, कि उन्हें भी एक्सेप्ट किया जाए। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर जब बात करते हैं इन चीज़ों की तो उसमें बुलिंग और बाकी सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिन पे एक अलग तरीके से मौजू है, उस पर बात की जा सकती है। तो अगेन वो कब पॉसिबल होगा, वो फिर लिंक होगा टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ कि वो किस तरह से इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन युग का जो सेटअप है या इंक्लूसिव एजुकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं विद इन देयर क्लासरूम स्पेस, के जहाँ पे हर हर स्टूडेंट एक रिस्पेक्टेड फील करे। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ी एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है, टीचर अगर एक सेक्ट से है तो ना चाहते हुए भी वो एक थोड़ा सा झुकाव उसका उस सेक्ट के बच्चों के साथ होता है और बाकी को इग्नोर किया जा रहा होता है ना चाहते हुए ना। आई एम नॉट लाइक टीचर्स को मैं इस पे इल्जाम ठहरा रहा हूँ, बट लाइक ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें हम अलग से लाइक इस पे बात की जाए बहुत वाइड वाइड किस्म का एक स्ट्रक्चर है। सो और अगेन इस पे फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम देखें कि सीनियर ऑफिशियल्स या फिर पॉलिसी मेकर्स को किस तरह देख सकते हैं, वो मॉनिटर करें, एवेलुएट करें, क्लासेस में आए, स्कूल्स में आए, बच्चों से पूछें, अगर सब सेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट लाएं, हर सेक्ट के बच्चे को बुलाएं, या फिर अगर हम यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइमरी तक में भी हम अक्सर हमारे को स्कूल्स होते हैं उनमें जेंडर वाइज पूछें, अगर कोई ट्रांस की रिप्रेजेंटेशन है स्कूल यूनिवर्सिटी में उनसे भी पूछें कि क्या मसाइल हैं या आप को कैसा फील हो रहा है, यूनिवर्सिटी आपको लाइक वैसे ट्रीट कर रही है जैसा कि आप डिजर्व करते हैं या फिर लाइक दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग यू ऑन सम ग्राउंड। सो डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट लाइक मैंने जैसे आपको बात बताई कि इस्लामाबाद में तो हर कम्युनिटी के लोग भी हैं, फिर अगर हम एक क्लास में आए तो फिर कम्युनिटीज भी आती हैं, फिर सेक्ट्स भी आते हैं, फिर रिलीजन्स भी आते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो व्हेन आई वाज अ टीचर एंड आई वाज टीचिंग एट अ मॉडल कॉलेज इस्लामाबाद, तो मेरे मेरी क्लास में अ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक क्रिश्चियन बैक रिलीजन के बैकग्राउंड से थे वो, बट क्योंकि मैं ट्रेन था, मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया था दे ट्रेन मी टू बी एम्पथेटिक, टू बी एक्सेप्टेबल, टू एक्ट एज अ लीडर विद इन द क्लासरूम स्पेस। तो अगेन अगर मैं मुझे ट्रेन ना किया होता तो मैं डिफरेंटली ट्रीट करता उनको, और अगर मैं अभी इस तरह से बात कर रहा हूँ इन सारी चीजों एक्सेप्टेंस के साथ और ओपननेस के साथ, तो दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन दैट लाइक उस प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग से, कि वो ये सारी चीजें मेरे अंदर इंक्लिकेट हुई कि नहीं आई हैव टू ट्रीट एवरीवन ऑन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट और लाइक वैल्यू मेरे लिए इक्वल हो। सो आई गेस इस सब का स्ट्रक्चराइज टीचर की ट्रेनिंग पे आएगा, और फिर स्टूडेंट्स के अंदर वो तभी हम जब अक्सर बात करते हैं कि स्टूडेंट्स एक्शन और बेसिकली द टीचर्स एक्शन, या टीचर्स एक्शन स्टूडेंट्स एक्शन के साथ अगर लिंक करें, तो टीचर्स के जो एक्शन विद इन क्लास होंगे अगर वो सबको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, सबको एक इक्विटी के प्रिंसिपल के लिए लेके जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर वो लाइक ना चाहते हुए तो नहीं लाइक वो वैल्यूज इनकलकेट होती हैं और वो जो सीख रहे होते हैं टीचर से वो उसी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। सो वो पूरा स्ट्रक्चर ही आपकी टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ चेंज हो जाएगा, आपकी डाइवर्सिटी और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो टीचर्स की ट्रेनिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है।